ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ कर ली जी जूम कर लियो बहुत वधिया शिविर हैगा मानसाला अरे बाबा ये व्यवस्था ये का हुआ भाई ये की हो गया पानी किधर हो गया ना अरे गोली दूजे बंदे दी तक नहीं आया अज तो मेरे भोलेनाथ कोलो आया मूंह आया पै जाना की हो गया वाह तू पाए सैड नहीं नहीं सैड तो है यार मेरे भोले नाथ 20 साल बाद सुनी है मैं तो आप गया तो जा के हो तुसी हां पर मैं कदे रही नहीं ना कल्ली है मैं बस टाइम रहने लगी 10 साल चलो भोले नाथ पहली बार सुनी है पहली बार आप अपना स्कूटी ते जा रहे है ना लेकिन बहुत क्या है भी स्कूटी ते यार स्कूटी ते जाऊं पर हुन क्या पैदल जाओ ते अच्छा पैदल जाके मैं कह पैदल जाके की करना भाई ठीक है लोग गड्डियां ते जांदे ने मैं कह आज की असी स्कूटी ते चले आ रब नु कहना वास्ते रबा भोलेनाथ अगली बार नु छोटी सोच जमी छोटी सोच मैं नहीं नहीं गड्डी गड्डी ते जाने लोग जाते हैं वो जाते हैं पर आप कहते हैं बड़ी सोच आप भोलेनाथ चले महा महाकाल आ सारी दुनिया का जोड़ा है मालक आहू यही कहना चलिया भी रबा अज तो जो स्कूटी चलने कोई गल नहीं अगली बार नु हैलीकॉप्टर से आवेंगे हैलीकॉप्टर लैन वास्ते जिम्मे की मोदी मोदी जांदा ना मोदी जांदा ते अपना जोगी गड्डी चलाउणी नहीं आउंदी गड्डी बेइज्जती गाल के हैं ओए ओ अपने चलाना हेलीकॉप्टर पथरू जाना हेलीकॉप्टर चलाना वास्ते पाइलट होंदे ने हाजी पछोड़ ना ते जिम्मे जोगी जांदा चलिए फिर अपना लेट हो गए क्या नल जायो हैव अ सेफ जर्नी हैव अ सेफ यात्रा यात्रा जाने भोलेनाथ दरबार गंगा चल भी लियाओ पूरा कम कम कराया अज चंगे लाए ने बहुत रोकते सी है ना बहुत रोकते पता ही कहते कहते स्कूटी करना सी स्कूटी करना जहाज मरगत हुई है कहते महीने करके मरगत हुई है जाना नहीं उन्हें बहुत रुकी रेंट तक रुकी है पर जाना तो जाना ही है जो मर्जी हो जाए कहते कहते रब ने पहले 20 साल बाद सुनी है कहते पैसे भी कट्ठे होंगे जी कहते हज़ार जी उदो हज़ार ही कट्ठा पंद्रह सौ भी कट्ठा 3500 हो गया 3500 ही कट्ठा होया होना जे रब ने सुने तो आर्चना बन गई अपनी घैंट बहुत घैंट बन गई बहुत घैंट बन गई वाह अभी थोड़ी शाम कर दे लॉन्ग ले जी चलिया
पूजा हो गई बाबा बगनाथ जी की, भोले शंकर जी की। हम चले हाँ ये रब मेरे करे पहुँचते हैं रस्ते, मिलते हैं कराने अपने भोलेनाथ जी के रस्ते दर्शन कावड़िया के। लो जी हुण चले हाँ असीं हरिद्वार बाबा जी कोले, ते तुहानूं दिंदे रहांगे आपां। कर ली जी, जूम कर लियो। लो जी चले हाँ, हरी झंडी हो गई आपां नूं जाण दी। सलाम मिस्टर रिंकू भट्टी, रिंकू भट्टी जी ला रहे चार चार ला लिया उच्च करके ला दी हूँ। लो जी चीमा भोलेनाथ की कृपा ने चीमे पहुंचे 20 मिनट के बिच। लो जी कुलचे खा ले, बहुत स्वाद से कुलचे, मैंने बहुत पसंद इतने कुलचे, मैं जो भी इतने आवा मैं खा के जाना नहर उत्ते भाखड़ा नहर उत्ते जड़ी खड़ती हैं, बहुत स्वाद कुलचे से, बहुत नज़ारा। तो हम चलिए आप बहुत देर होगी खड़े जी। पहुँच गया हाँ बाला शिवर के, रोटी खान लगे बैठे हाँ, ठंड बहुत सी। साडा रिंकू साहब जी बहुत ठर गए ने शिवर के, बहुत वधिया प्रबंध किया है, बहुत वधिया शिवर हैगा, बहुत वधिया शिवर बनाया हुआ, पूड़ियाँ पूड़ियाँ बनिया, पेठा आलू में सब्जी चाह, बहुत बढ़िया चीज़ है। किवें महसूस हो रहा, ठंडक महसूस हो रही है लो जी छे बजे के बज के चार, चाह पीए करिए फिर प्रस्थान पर चलिए हरिद्वार में। पहुंचने भी है जल्दी पहुंचा फिर लो जी चाह पीन लग्या हुण, बहुत खाई लगता 80 किलोमीटर पे बर्फ में ठर गए। खड़ा रिंकू दिखो क्या कंपनियां का बर्फ में ठर गए, ज़्यादा अंकल ने पूछा क्या हजार 80 किलोमीटर पे रास्ते के बीच एक बहुत बढ़िया छोटा जहा ढाबा है, कभी चाह वास्ते आ रहा होना साढ़े पाँच। एक में कम रखना बिल्कुल, मट्ठी है जी मट्ठी देखो कि मट्ठी है नजारेदार बेकीमती, चाह भी ना मट्ठी खाना नज़ारे कुछ होर है। लो जी अज का ब्लॉग आप इतने खत्म करते हैं, तो मिलते हैं कल आप शिवरात्रि से नवे ब्लॉग के नाल जी, उद तक लई जय बम बम बोले जय बोले दी। Bye-bye.